देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं सत्यवीर सिंह लेकर हाजिर हूँ कुछ खास खबर। खबर गाजियाबाद से है। जैसा कि हम जानते हैं कि 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे के रूप में ही मनाते हैं, परंतु इस बार गाजियाबाद की जनता ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में नहीं मनाकर एक उदाहरण पेश किया है, क्योंकि 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमले के हुए 44 जवान जो शहीद हुए थे उनके श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने इस 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में न मना करके शहीद दिवस के रूप में मनाया। इस कार्यक्रम में नवयुवक, बुजुर्ग व महिलाएं साथ में छोटे बच्चे भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बहुत ही जोश खरोश के साथ भारत माता की जय और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यूं तो 14 फरवरी के दिन सब वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन इस बार ज्यादातर लोगों ने 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे न मनाकर शहीद दिवस मनाया, क्योंकि इसी तारीख को पिछले साल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 49 जवान शहीद हो गए और 20 से अधिक घायल हो गए। हमले के वक्त 2500 जवान 78 वाहनों के काफिले में जा रहे थे। इसी दौरान जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी कार से उनकी बस में टक्कर मार दी। उन शहीदों को सलाम है। इस उपलक्ष में नंदग्राम गाजियाबाद में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे न मनाकर शहीदों की याद में सुंदर लाल प्रधान और पत्रकार सत्यवीर सिंह चमन सिंह के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों ने भी अपने साफ और सच्चे मन से शहीदों की याद में हाथ में कैंडल लिए जय घोष के नारे लगाए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।